एक ऐतिहासिक घोषणा गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे घोषणा किया है कि हम लोग साथ मिलकर जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और सीधे कहा कि जो 10 लाख रोजगार देने का वादा महागठबंधन की सरकार ने किया था उस 10 लाख को हम 20 लाख पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सीधे दुगनी संख्या जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दी है कि जो 10 लाख रोजगार तो हम देंगे ही और कोशिश करेंगे कि ये 10 लाख 20 लाख हो जाए। और इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसकी जोरदार सराहना की है और सीधे कहा है कि मुख्यमंत्री की ये जो घोषणा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इससे बिहार के युवाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद, ये हम आपको सुनाते हैं। एक ऐतिहासिक घोषणा, उन्होंने कहा है गांधी मैदान से कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसके बाद आके 20 लाख भी किया जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा, जो असल मुद्दा है, आप लोग उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आज हर एक बिहार का नौजवान के दिल में जो उम्मीद थी, जो ख्वाहिश थी, कौन है यार, आज उसको हम लोग साथ मिलकर के पूरा कर रहे हैं। चार पांच दिन से तो आप लोग कहते रहते हैं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे घोषणा किया है कि हम लोग साथ मिलकर जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और आप लोग तो जानते हैं बेरोजगारी हटाना कैमरा फूट किसका गिरा है, हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा और मैंडेट भी जो मिला, ये बेरोजगारी मुद्दा जो हम लोग तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है और 20 लाख जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, इससे बिहार की तरक्की होगी और हम और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर यानी कि महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और युवाओं के भविष्य को संवारने का काम करेगी। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे दैश न्यूज के साथ और देखते रहे दैश न्यूज। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के तरफ से पूरे देशवासियों और झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। झाझा जमुई से रोजगार सेवा प्रखंड के मंजीत कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। जय हिंद, जय भारत।